नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज़ भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। किसी ने बहुत सही कहा है कि हार से सामना करना जितना मुश्किल होता है, उससे ज्यादा मुश्किल होता है जीत के तेज को संभालना, जिसमें फिलहाल राहुल गांधी फेल होते नजर आ रहे हैं। इसलिए शायद कुछ भी बोलने से पीछे नहीं हट रहे। दो सबसे बड़ी सीटों पर मिली जीत के बाद राहुल गांधी ऐसे दावे कर रहे हैं जो सबको हैरान कर रहे हैं। रायबरेली और वायनाड सीटों पर मिली बंपर जीत के बाद राहुल गांधी जनता का धन्यवाद देने दोनों सीटों पर पहुंचे, जहां कल रायबरेली में राहुल गांधी ने जनता के सामने बड़ा दावा कर प्रियंका गांधी को पीएम मोदी से बड़ा नेता करार दिया, तो वहीं आज वायनाड में पीएम मोदी से भगवान का कनेक्शन बता डाला। देखिए ये रिपोर्ट और जानिए कैसे राहुल गांधी जीत के बाद कर रहे हवाई दावे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत के बाद कांग्रेस और राहुल गांधी सातवें आसमान पर हैं। बात सही है, सालों के वनवास के बाद राज महलों का सुख मिले तो खुशी अपार होती है, मगर इस खुशी में कोई हवाई दावे करने लगे तो कैसा लगेगा। दरअसल राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड की जीत के बाद काफी खुश हैं और जनता का धन्यवाद देने के लिए दोनों जगह पहुंचे, लेकिन उन्होंने दोनों जगह ऐसी बात बोली कि सब हैरान रह गए। कल रायबरेली में राहुल बोले कि हम चाहते थे कि बहन प्रियंका गांधी पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़े। मेरी बहन अगर वाराणसी से चुनाव लड़ गई होती तो आज देश के प्रधानमंत्री 2 या 3 लाख वोटों से हारते। और सिर्फ अयोध्या में नहीं भाइयों और बहनों, सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। मैं ये बात अहंकार से नहीं कह रहा हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की जनता ने मैसेज दिया है, ये आपकी जो राजनीति है हमें अच्छी नहीं लगी, हम इसके खिलाफ हैं, हम नफरत के खिलाफ हैं, हम हिंसा के खिलाफ हैं, हम मोहब्बत का देश चाहते हैं, हम प्रगति चाहते हैं, हम बेरोजगारी के खिलाफ हैं। आपने 10 साल इस देश में बेरोजगारी फैलाई, नफरत फैलाई, हिंसा फैलाई और हिंदुस्तान की जनता ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को जवाब दिया। वहीं आज वायनाड में राहुल गांधी ने कहा कि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे फैसले से वायनाड और रायबरेली के लोग खुश होंगे। इसके बाद राहुल ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि आपने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री ने कहा 400 पार जो गायब हो गया और फिर 300 पार आ गया। इसके बाद उन्होंने कहा, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं कोई निर्णय नहीं लेता, मुझे इस धरती पर परमात्मा ने रखा है और वही निर्णय लेते हैं। सुनिए। I have a dilemma in front of me. The question is, will I be member of parliament of Wayanad or will I be member of parliament of Raebareli? Unfortunately, like the prime minister, I am not guided by God. I am a human being. You know, you saw in the election, first the prime minister said 400 par. After that, 400 par disappeared and 300 par came. After that, 300 par disappeared. And then he gave a speech where he said, I am not biological. He said, after my mother passed away, I realized that I am not a biological person. I don't take any decision. I have been put on this earth by Paramatma and he takes all the decisions. Modi ji has a strange Paramatma. His Paramatma makes him take all the decisions in favor of Adani and Ambani. Paramatma tells him, Narendra Modi ji, this morning, you are going to give Bombay airport to Adani. Okay, now you gave Bombay, now you give Lucknow. Good, now you have given 7 airports. Now you give power plants. Now you've done power plants. Now to help Adani with defense, you do Agniveer. But unfortunately, I do not have this luxury because I'm a human being and God does not order me. In fact, it is for me, it is much simpler. My God is the poor people of India. My God is the people of Wayanad. So for me, it's very easy. I just go talk to the people and my God tells me what to do.
राहुल गांधी ने अभी भी संशय रखा है कि वो रायबरेली को चुनेंगे या वायनाड को, लेकिन जिस तरह से दोनों जगह राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया वो लोगों को हैरान कर गया। राहुल गांधी ने इस लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो दावे वो आप कर रहे हैं उन दावों का कोई लॉजिकल तथ्य अब नहीं मिलने वाला। अगर राहुल गांधी को पता था कि वो काशी जीत सकते हैं तो फिर प्रियंका गांधी को क्यों नहीं उतारा? वहीं आज भगवान के कनेक्शन वाली टिप्पणी का भी सीटों के चयन से कोई नाता नहीं दिखता। फिलहाल रायबरेली और वायनाड में राहुल गांधी की जो बाजीगरी काम आई थी वो अब आगे कैसे कायम रह पाती है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ऐसे दावों से केवल उनका बेड़ा पार नहीं होने वाला, अब उनके किए गए काम ही उनको आगे का भविष्य तय कर सकते हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट पर बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।